नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए एक रिक्वेस्टेड वीडियो जो हमारे एक सब्सक्राइबर फैन थे, उन्होंने हमें एक सजेस्ट करा था और काफी अच्छा लगा हमें उसका टाइटल। और दोस्तों, उस वीडियो का टाइटल है मैं हिंदू और वो मुसलमान थी, जहा साहिब अमृतस झा पोएट्री। दोस्तों, ये एक तरह की पोएट्री होने वाली है जो कि काफ़ी खास होने वाली, जो हिंदू मुस्लिम इसमें इनका वर्ड का यूज़ किया गया है और ये सुनने में काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल से होने वाली है, इसलिए हम इस वीडियो पे आज रिएक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राधे राधे। तो अभी कुछ दिनों पहले जो मैंने पोएट्री एक जगह छोड़ी थी, वो कुछ यूँ था कि जो गूंज रही थी मेरे कानों में वो उसके शादी की शहनाई थी। जो गूंज रही थी मेरे कानों में वो उसके शादी की शहनाई थी, मैं कलियाँ बिछा रहा था राहों में, आज मेरे जान की विदाई थी। मैं वहीं मंदिर में बैठा था, मैं वहीं मंदिर में बैठा था, पर आज वो डोली में बैठी थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। तो इसके आगे की कहानी कुछ यूँ है कि हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। कि हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था, मैं ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते देखा था। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी, कल तक थी जो मोहब्बत मेरी, आज किसी और की बेगम जान थी। कि सूख चुकी थी सब कलियां, हर गली सुनसान थी, कल तक थी जो मोहब्बत मेरी, आज किसी की बेगम जान थी। इश्क से वाकिफ थी वो लेकिन मज़हब से अनजान थी, बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। कि मैं हिंदू और वो मुसलमान थी। बिलखता रहा मैं रात भर, बिलखता रहा मैं रात भर, जब सारा ज़माना सोया था। बिलखता रहा मैं रात भर, जब सारा ज़माना सोया था, अकेले अश्क नहीं थे मेरे आँखों में, वो काजी भी उतना ही रोया था। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था ज़माने का। हर दर्द संभाल कर रखा मैंने, क्या बिगाड़ा था ज़माने का, किसी ने गम मनाया जुदाई का, तो किसी ने जश्न मनाया उसके आने का। मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं उससे मोहब्बत करता था, वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। जैसा मैंने पहले कहा था कि ऐसा इश्क अगर आसानी से मुकम्मल हो जाए तो मज़ा नहीं आता, लेकिन इस बार ये इश्क मुकम्मल हुआ। मेरा इश्क तो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसका इश्क मुकम्मल हुआ। और वो कैसे हुआ वो सुनिएगा। कि रूह पड़ी थी पास में मेरे, जिस्म उसके पास मिली। कि रूह पड़ी थी पास में मेरे, जिस्म उसके पास मिली, इश्क मुकम्मल हो गया उसका जब अगली सुबह उसके घर में ही उसकी लाश मिली। कि सुबह एक ज़ख्म और मिला, कि सुबह एक ज़ख्म और मिला, रात का ज़ख्म अभी भी ताज़ा था, रात में डोली उठी थी जिसकी, सुबह में उसका जनाजा था। कि सब मज़हबी कीड़े आए वहाँ पर, कि सब मज़हबी कीड़े आए वहाँ पर, अपने अपने मज़हब की बोली लेकर, मैं अभी गया जनाजे में उसके, उसके नाम की डोली लेकर। तिनका तिनका बिखरा था मैं, कि तिनका तिनका बिखरा था मैं, मेरे आँखों के आगे पूरी दास्तान थी, जिस्म ठंडा पड़ा था उसका, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी।
कि तिनका तिनका बिखरा था मैं, मेरे आंखों के आगे पूरी दास्तान थी, जिस्म ठंडा पड़ा था उसका लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, इश्क से वाकिफ थी वो लेकिन मज़हब से अनजान थी, बस गलती इतनी सी थी हमारी कि मैं हिंदू। कभी मैं उसमें सांसें लेता था, कभी वो मुझमें सांसें लेती थी, कभी मैं उसमें सांसें लेता था, कभी वो मुझमें सांसें लेती थी, मैं पंडित जी का बेटा था, वो काजी साहब की बेटी थी। इसके आगे की लाइन्स उन लोगों के लिए है जिनके वजह से इस कहानी ने जन्म लिया। वो ये है कि मुझे उसके जाने का गम नहीं, आखिर तक कौन साथ निभाता है, कि मुझे उसके जाने का गम नहीं, आखिर तक कौन साथ निभाता है, लेकिन मजहब मजहब करने वालों, मजहब भी पहले प्यार सिखाता है। कि मजहब मजहब करने वालों, मजहब भी पहले प्यार सिखाता है, इश्क मुकम्मल हो जाए सबकी, किसी में मजहब का डर ना हो, इश्क मुकम्मल हो जाए सबकी, किसी में मजहब का डर ना हो, बस ख्वाहिश इतनी सी है मेरी, फिर मेरी जगह कोई और ना हो, फिर मेरी जगह कोई और ना हो। भाई क्या पोएट्री थी, मतलब जो इन्होंने लाइन बोली ना, मतलब दिल को छोली, मतलब जो इस तरह की, मतलब दर्दनाक जो हमने वाक्य बोले थे, मतलब जो तरह से पोएट्री बोली थी, मतलब दिल के आर पार हो गए वो। हाँ, जो ये पोइट्री बोली इन्होंने थोड़ी सैड पोइट्री थी, जो इन्होंने जो इन्होंने हिंदू मुसलमान का जो टॉपिक लिया इसमें, जो एक पंडित साहब की, पंडित साहब का बेटा और एक काजी साहब की बेटी का जो लाइनें बोली, इतनी हार्ट टचिंग लाइनें बोली, जो कि मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए मेरे को, और मुझे सुन के जो ऐसा लगा कि हाँ, ये जो रियल लाइफ में भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, हाँ। जो बेचारे एक सच्चा प्यार तो करते हैं, मगर वो मजहब के अपने जो ये भेदभाव धर्म के चक्कर में बेचारे वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये दो पक्ष ऐसे अलग अलग हो जाते हैं जिनका मेल संभव नहीं है। हाँ, मतलब अगर आज का मतलब टाइम देखा जाए तो, मतलब आज के टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे मतलब कास्ट सिस्टम मानते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी लव स्टोरी हो जाए, मतलब वो कास्ट सिस्टम पे ही मतलब एक तरह से मतलब रहकर रह जाती है, मतलब ठहर जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकती मतलब कास्ट सिस्टम में, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं मतलब, और जो भी मतलब लोग हैं उनके मम्मी पापा, मतलब ये एक तरह से कास्ट सिस्टम को लेके बैठे हुए हैं आज के टाइम पे भी। हाँ, और जो आज का टाइम हो गया, मतलब ना एजुकेटेड, ना जनरेशन जो हमारी हाई हो चुकी है, मतलब फिर भी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाँव में देहात में जो आज भी ऐसे चीज़ों को फॉलो करते हैं, इस लोगों का पालन करवाते हैं अपने बच्चों से गांव में रह के, कि आप चाहे किसी भी प्यार करें, मतलब अपने अपने ही धर्म में करें, ना कि दूसरे धर्म में करें। और ये आजकल बहुत मतलब कि कम तो हो चुका है, मगर कहीं जगह ये अभी भी है, और इसका असर अभी भी कभी कभी न्यूज़ों में हमें सुनाई देता भी है, कि हम काफ़ी न्यूज़ों में हमने सुना भी है, और अभी हाल फिलहाल में भी ऐसा कभी चल रहा है, चर्चे चल भी रहे हैं। और देखा जाए तो अगर हम इस पोएट्री की बात करें तो इसमें कुछ ऐसी लाइनें बोली थी, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, मतलब सुन रहे थे, मतलब इतनी दर्दनाक होती थी, जो भाई सुना रहे थे इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब जो इन पे बेस्ड थी वो स्टोरी ऐसे जो बता रहे थे, मतलब मतलब काफ़ी इमोशनल थी, मतलब हार्ट टच जिसे कहते हैं ना, वो स्टोरी थी ये। हाँ, एक सुनाने का इनका तरीका तो काफ़ी अच्छा था, जैसे कि पूरा फील करके सुना रहे थे, ना रोमांटिक, थोड़ा हंस रहे थे, ना ऐसे थोड़ा सैड सी, सैड सा फेस था इनका, और ये सैड पोइट्री भी थी, और उन्हें कैसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर ही ऐसी बातें बीती गई हैं। और जो उन्हें दर्दनाक, जो ये मुझे सबसे लाइन जो दर्दनाक लाइन वो लगी, जब उन्होंने बोला कि जब उनकी पहले दिन विदाई उठी और शाम को जनाजा उठा, मतलब वो लाइन मुझे बहुत ही मतलब कि दिल को छू गई, और इतनी मतलब की दर्दनाक लाइन थी, बहुत ही मैं कुछ कह नहीं सकता। सो दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हम नेक्स्ट वीडियो किसी से बनाएं। नमस्ते दोस्तों।